देख लिया आपने, आप हमेशा मुझे समझाती रही और आरेश को आपने कभी कुछ भी नहीं कहा। मैं जीबू के इश्क के जुनून में सब कुछ फरामोश कर दिया। वो उस आर्टिस्ट से छुप छुप कर मिलता रहा, उसको सब कुछ बताता रहा और बहाना उसने आर्ट का कर दिया। लो भाई, कभी उसकी पेंटिंग खरीद रहे और कभी उससे फोन पे बातें कर रहे और कभी उससे मिल रहे। आए क्या तुक बनती है उसकी, क्या तुक बनती है? मुझे ये बताओ कि जाके वो उसकी पहली बीवी से मुलाकातें करे है? मुझे आरेश से ये तवक्को नहीं थी। इस कदर शर्मिंदा किया उसने मुझे आज, हद नहीं। पता नहीं कब से वो सब कुछ कर रहा है और हमें पता ही नहीं चला। अगर शाहनवाज और जेबू अलग हो भी गए तो जेबू कभी आरेश से शादी नहीं करेगी। पता नहीं ये क्या समझता फिर रहा है खुद को, ना एक शादी करके उसके अरमान पूरे ना हुए थे जो अब भी जेबू के पीछे पड़ा हुआ है। खुद भी खुवार हो रहा है और हमें भी शर्मिंदा कर रहा है। भाई मैं तो कहती हूँ सारा कसूर ही आरेश का है, बीवी बच्चे की तो कोई परवाह ही नहीं है उसको और अभी भी जेबू के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो शाहनवाज की फिक्र हो रही है, पता नहीं गुस्से में आकर क्या उल्टा सीधा फैसला कर बैठे। फवाद ने भी इसी तरह गुस्से में आकर जेबू को तलाक दे दी थी, बाद में वो भी पछताता ही रहा। नहीं नहीं, शाहनवाज जेबू को तलाक नहीं दे सकता। भाई क्या मालूम उसने क्या कुछ सोचा हुआ। भाई मैं तो कहती हूँ आरेश ने तो बहुत ही बुरा कर दिया। बुरा तो आरेश ने किया है, मेरे साथ भी और जेबू के साथ भी। आए मेरी बच्ची।